हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम एक कटहल की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में हम टिप भी देंगे जो कि बहुत यम्मी होगी। देखिए गाइस, कटहल है हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी बहुत जल्दी पक जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे यहाँ लाइट ना आई हो तो? क्योंकि ये ट्रिक हमने भी अपनाई है, इस वजह से बता रहे हैं। इस तरह से एक बड़ा पतीला ले लेंगे, उसमें भर देंगे पानी और अपना ले लेंगे कटहल और इस तरह से डाल देंगे उल्टा करके। अगर बड़ा है तो वो उल्टा हो जाएगा, छोटी ऐसे पीस है तो ये इस तरह से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बस कटहल इतना मतलब अंदर होना चाहिए कि पानी में पूरा भीगा होना चाहिए कटहल। तो इसको ठंडा पानी बिल्कुल लें और पानी के अंदर डुबो के रख दें, तो लगभग एक दिन तक आप कटहल को सुरक्षित रख सकते हैं, 1 से 2 दिन तक। तो देखिए, ये हमने थाली अपनी ग्रीस कर ली थी ऑयल से, उसमें हमने पहले से ही काट कर कटहल रख लिया है। ये देखिए, ग्रीस करने से ऐसा होगा ना, जो कटहल में दूध जैसा निकलता है लिक्विड, वो हमारे बर्तन में चिपक जाता है तो वो छूटता नहीं है। तो इस वजह से हम थाली को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, फिर रखेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। और इस तरह से हाथों में और नाइफ में लगा लेंगे तो हमारी नाइफ और हाथों में भी नहीं चिपकेगा दूध। तो ये देखिए, इस तरह से इसके ऊपर की जो होती है थोड़ा सा, कहीं इसको ठेठ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, मैं नहीं मालूम क्या बोलते हैं उसको। तो इस तरह से हम छिलके को हटाएंगे और इस तरह से हम ऊपर से भी छिलके को हटाएंगे, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं हटाएंगे, हल्का हल्का हटा लेंगे इस तरह से। तो पहले से ही हम हटा कर रख चुके हैं सारों को काट के। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारा हटा लेंगे, देखिए गाइस, ये सारा हट गया हमारा इस तरह से। और अब इसे हम काट लेंगे, तो आपको जितने बड़े टुकड़े रखने हैं आप उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने ज़्यादा बड़े नहीं रखे हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं रखे हैं, इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कट करके हम रख लेंगे, ये देख सकते हैं, बहुत आसानी से कटता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अगर चाहें, जैसे सिटी वगैरह में रहते हैं तो जो मार्केट वाले होते हैं वो छील कर भी दे देते हैं, अगर आप उनसे बोलेंगे तो वो छील कर भी दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसे पानी से वॉश कर लेंगे अच्छे से। और आप चलिए देख लेते हैं मसाले बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने टमाटर ले लिया है, मीडियम साइज़ के 2 से 3 टमाटर हमने ले लिए थे, जिस हिसाब से आप डालें। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको हमने ग्रेट कर लिया है। और हमारे यहाँ बताया था लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से हमने चॉपर में चॉप करके डाला है। तो आप चॉप कर भी डाल सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कितना बारीक है। तो इसे मिक्सी में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने मतलब कद्दूकस कर लिया था, ग्रेट कर लिया था, मिक्स करेंगे। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी पाउडर 1 स्पून, और अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, खूब भर करके यूज़ करेंगे, तो हमारी 1 स्पून। लाल मिर्च पाउडर जितना आप जैसे तीखा खाते हो। और ये देखिए, अब इसमें हम ऐड करेंगे हींग 3 से 4 पिंच, और इसे अब हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए, इससे मिक्स करने से ये होगा ना कि हमारे मसाले जो ड्राई होते हैं, इनमें नमी नहीं होती है, सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं। तो ये अगर हम डायरेक्ट तेल में डाल देंगे तो ये हमारे जल जाएंगे, इस वजह से हमने इसको टमाटर में घोल दिया, जिससे कि हमारे भीग जाएंगे मसाले, तो ये जलेंगे भी नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने इसको इसमें देखिए अब डाल दिया, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर इससे अच्छा आता है, ये तीखा नहीं होता है। तो चलिए अब दूसरा इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ये डाला हमने चावल का आटा, ये देखिए हमने 5 स्पून चावल का आटा ऐड कर दिया है इसमें। और अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालते हुए लिक्विडी घोल बना लेंगे। देखिए, हमने इसमें लहसुन प्याज नहीं ऐड किया है, इस वजह से थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए चावल का आटा ऐड किया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कटहल इस तरह से बनाकर खाने में, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे पानी डालते हुए इसको घोल लेंगे अच्छे से। चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप चावल को भिगो के रख दीजिए 2 से 2.5 घंटे के लिए, फिर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, हमने बताया था, इस वजह से हमने चावल के आटे का इस्तेमाल किया है, बात दोनों की एक ही है। तो इसको अब हम फेट कर अलग रख देंगे, जब हमें इस्तेमाल करना होगा तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए, हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल अपनी कढ़ाई में, क्योंकि कटहल वगैरह सब्जियां हैं वो मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो हमने 5 से 6 स्पून
ऑयल डाल दिया है और अब इसे हो जाने देंगे धुआंदार। और इसमें ऐड करेंगे जीरा, तो जीरा भुन चुका है हमारा। इसमें जो पेस्ट बना करके रखा था मसाला वो ऐड कर देंगे, इसको हम भून लेंगे अच्छे से। तो ये देख सकते हैं इसे इस तरह से भूनेंगे गाइस। एक बात और, इसमें थोड़ा सा ऑयल की मात्रा ज़्यादा लगती है क्योंकि हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, ऑयल भी दिखने लगा है ऊपर। तो इसमें तेज़पत्ता हम डाल देंगे तोड़ कर, तो वो भी साथ में भून जाएगा। और ये डाल दिया अब हमने कटहल अपना पकने के लिए। आप चाहें तो एक सीटी बॉयल कर कर कटहल को यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, मगर हमने कच्चा ही ऐड किया है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, मिक्स करते हुए पहले हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, और उसके बाद में हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं गाइस, मिक्स करके अब हमें इसे इसमें हम थोड़ा ऐड करेंगे पानी, एक ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे। देखिए गाइस, और इसे हम ढक कर कुक कर लेंगे, इसे हम पका लेंगे। यानी अगर बॉयल्ड होगा तो उसमें पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा पहले से ही बॉयल होगा तो वो जल्दी से कुक हो जाएगा। तो कच्चे कटहल में पानी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए ढक करके हम पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा कैसे हो रहा है कुक अच्छे से। इसी तरह से हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे इसको, और इसे हम कुक कर लेंगे अच्छे से। गाइस इस तरह से कटहल बनाएंगे ना, तो अगर आप लोग नॉनवेज खाते होंगे वो भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है। और घर में जो लोग कटहल की सब्ज़ी जिनको पसंद है उन्हें बहुत पसंद आएगी, और जिनको नहीं पसंद है उनको भी कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए अब हमने ले लिया है हमारा 50% कुक हो चुका है कटहल। तो इसमें हमने डाल दिया एक स्पून के करीब कस्तूरी मेथी, इससे क्या है हमारे कटहल में खुशबू बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो अभी इसे हमें देखिए हल्का हल्का सा पानी दिख रहा है, तो इसको अभी हम पका लेंगे थोड़ा सा और इस तरह से तोड़ के देखेंगे कि अगर कट जा रहा है हमारे अच्छे से, सॉफ्ट हो गया है हमारा कटहल, तो यानी हमारा कुक हो चुका है। तो ये तेज़पत्ता हम बाहर निकाल देंगे इसको, और फिर हम ऐड करेंगे अपना चावल का आटा। देखिए इतनी देर में हमारा चावल का आटा अच्छे से सेट हो गया। तो अब देखिए ये चावल का आटा जो पेस्ट बना कर रखा था, इसको हम वैसे हिलाते हुए इसमें डाल देंगे। इससे कटहल का जो स्वाद एकदम बढ़ जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको मिक्स करते हुए हम बनाएंगे। एक बात और गाइस, अगर आपकी नॉन स्टिक कढ़ाई है तो उसमें नहीं चिपकेगा ज़्यादा तली में, मगर अगर आयरन की कढ़ाई है या अल्मोनियम की कढ़ाई है तो उसमें तली में थोड़ा सा चिपकेगा। क्यों? क्योंकि ये चावल का आटा है, इस वजह से चिपकेगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे उलटते पलटते हम इसे फ्राई कर लेना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है वरना ये भरता बन जाएगा बिल्कुल। तो इस तरह से हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गाइस हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम ऊपर से डाल देंगे 1.5 स्पून घी, 1.5 स्पून घी डाल देंगे इसमें। इससे क्या होगा, घी का फ्लेवर आएगा और बहुत टेस्टी खुशबू आएगी कि देखते ही मन करेगा खाने का। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो देखिए गाइस यम्मी टेस्टी कटहल की सब्जी बनकर तैयार है। आप लोग देख सकते हैं आ गया होगा मुँह में पानी। तो इतनी टेस्टी इतनी यम्मी सब्जी बनाइए और खाइए, और हमें बताइए अपने कमेंट के जरिए कि आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और बताएं हमको अपने एक्सपीरियंस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट।